नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। भारत के वैज्ञानिक आजकल बड़ी बड़ी उपलब्धियों में अपना सहयोग दे रहे हैं। जी हां, हाल ही में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर के मलबे को ढूंढने का श्रेय शानमुगा सुब्रमण्यम नाम के भारतीय इंजीनियर को दिया। नासा की तस्वीर से विक्रम लैंडर के मलबे को शानमुगा ने ही खोज निकाला था। अब बिहार के इस युवा वैज्ञानिक डॉक्टर अंशुमान भारद्वाज को मंगल ग्रह मिशन में शामिल किया जाने वाला है। जी हां, बिहार के लिए बड़ी उपलब्धि है कि गोपालगंज जिले के कटिया प्रखंड के धरहरा मेला गांव के होनहार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर अंशुमान भारद्वाज को मंगल ग्रह मिशन में शामिल किया गया है। अंशुमान मिशन मंगल ग्रह पर ये रिसर्च करेंगे कि पानी अपने तरल रूप में बना रह सकता है या फिर नहीं। रिसर्च सफल हुआ तो मंगल पर जीवन की संभावना को बल मिलेगा। स्वीडन की लुलिया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में वायुमंडलीय अनुसंधान विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर अंशुमान भारद्वाज का चयन यूरोपीय स्पेस एजेंसी के एक्सो मार्स मिशन के लिए किया गया है। कटिया प्रखंड के धरहरा मेला गांव निवासी शिक्षक नरेंद्र धर द्विवेदी और मां नवोदया विद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर माया मिश्रा के पुत्र डॉक्टर अंशुमान भारद्वाज की इंटर तक की शिक्षा नवोदय विद्यालय वृंदावन बेतिया में हुई है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बायोमेडिकल से ग्रेजुएशन की डिग्री ली है और उसके बाद रिसर्च पूरी की। रिसर्च पूरा होने पर उनका चयन DRDO में वैज्ञानिक के रूप में हुआ। 1.5 साल बाद उनका चयन स्वीडन की लुलिया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर पद पर हुआ। रिसर्च तय करेगा कि मंगल पर जीवन की संभावना है कि नहीं। जी हां, अगर हैबिट उपग्रह के माध्यम से पानी को तरल रूप से रखने का मिशन सफल रहा तो भविष्य में मंगल ग्रह पर मानव को बसाया जा सकता है। तरल अवस्था में पानी की उपस्थिति को मंगल ग्रह पर सुषम जीवन की संभावना से जोड़ा जा सकता है। डॉक्टर अंशुमान भारद्वाज ने अपनी इस सफलता का श्रेय माता पिता को दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहे वीके न्यूज। शुक्रिया।